दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अंकिता लोखंडे की प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले काफी समय से अंकिता लोखंडे और विकी जैन को लेकर खूब चर्चा है। अंकिता लोखंडे बिग बॉस में अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खूब चर्चा करती नजर आई और बिग बॉस के घर में ही पहली बार हुआ प्रेगनेंसी टेस्ट। जी हाँ, अंकिता ने खुद ये खुलासा किया था कि बिग बॉस के घर में उनका ब्लड टेस्ट हुआ है और ब्लड टेस्ट में उनका प्रेगनेंसी रिपोर्ट आने वाली है और बताया जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। वो इस बारे में बात करती भी दिखाई दी कि उनके मूड स्विंग्स काफी ज्यादा हो रहे हैं, उनके पीरियड्स नहीं आ रहे और इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने की, जिस पर यही देखा जा रहा था कि शायद उनको प्रेगनेंसी हो गई है और वो बिग बॉस के घर की पहली ऐसी कंटेस्टेंट होगी जो बिग बॉस के घर में प्रेगनेंट हुई है और ये अनाउंसमेंट भी बिग बॉस के घर से ही की जाएगी। लेकिन अब उनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट सामने आ गई है और बताया जा रहा है कि उनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वो बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं है। आपको साथ में ये भी बताते चलें कि अंकिता और विकी को लेकर इसके अलावा भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी सामने आ रही है और दोनों का रिलेशनशिप जिस तरह से खराब होता दिखाई दे रहा है, बिग बॉस के घर में ये भी खूब चर्चा में है और बताया जाता है कि अंकिता और विकी ये सब गेम के लिए ही कर रहे हैं। दोनों ये फाइट सिर्फ टीआरपी के लिए लेते हैं, सिर्फ न्यूज में रहने के लिए लेते हैं और इस तरह का उनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जबकि कुछ नेटिजन्स का कहना है कि दोनों के रिश्ते का सच अब खुलकर सामने आने लगा है और दोनों हमेशा ही एक दूसरे से इसी तरह ही लड़ते रहते हैं और अब बिग बॉस के घर में आकर भी दोनों के बीच के डिफरेंसेस काफी ज्यादा क्लियर हो गए हैं और अब शायद दोनों इस घर से बाहर निकलने पर साथ भी न रह पाए। आप इस सब पर क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप अंकिता लोखंडे के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और मजीद ऐसी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।